खबर जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरिद्वार से इलाहाबाद माघ मेले में भाग लेने जा रहे अखिल भारतीय निरंजन अखाड़ा परिषद बगमधरी गद्दी के महंत दिनेश गिरी महाराज ने फतेहपुर जिले में कहा कि समाज में खुद को भगवान मानने वाले साधु संतों को भगवान नहीं मानना चाहिए, बल्कि साधु संत भगवान तक पहुंचने का माध्यम हो सकते हैं। ऐसे साधु संतों को अखाड़ा परिषद चिन्हित कर रहा है और अचला सप्तमी स्नान के बाद अखाड़ा परिषद की होने वाली बैठक में फिर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने मंदिर मुद्दे पर कहा कि योगी जी से संत समाज को बड़ी उम्मीद है। मोदी और योगी मंदिर बनवाएंगे, योगी मंदिर बनवाकर देश दुनिया में नया इतिहास रच सकते हैं, ऐसा संत समाज को पूरी उम्मीद है। गड़िया के मामले को टालते हुए दिनेश गिरी महाराज ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हरिद्वार से संगम एक्सप्रेस से माघ मेले में अचला सप्तमी पर्व में भाग लेने जा रहे बगमभरी गद्दी के 20 महंतों का प्रतिनिधिमंडल आज फतेहपुर जिले में ट्रेन देर होने की वजह से रुका, जहां से उन्हें भारी सुरक्षा के साथ बाय रोड इलाहाबाद के लिए रवाना किया गया। इलाहाबाद लेटे हनुमान, वहां पर अचला सप्तमी का प्रोग्राम होता है, भव्य प्रोग्राम, जिसमें जितने भी हमारे संस्कृत पाठशालाएँ हैं, वहां के जितने प्राचार्य हैं, उन सबका सम्मानित किया जाता है। और माघ मेले का अचला सप्तमी का स्नान भी है, तो निरंजन पंचायती अखाड़े से सभी लोग स्नान के लिए और उस कार्यक्रम आए हुए हैं। ये समाज को ताकि पता चले कि कौन से साधु किस प्रकार से हैं, किसको किस प्रकार से मानना चाहिए, ये सब समाज को आंखें खोलने के लिए है एक प्रकार से। तो बाकी तो अब अपने अपने हिसाब से सब लोग मानते हैं, जहाँ भी मानते हैं, लेकिन कोई अगर अपने आप को स्वयं को भगवान मानता है, भगवान बता रहा है, तो जो लोग हैं आजकल समाज में, सब लोग पढ़े लिखे हैं, उन सबको ये समझना चाहिए कि कौन कैसा है। कोई अगर अपने आप को भगवान कहता है तो वो कोई भगवान नहीं है, ठीक है। हम भगवान के विषय में बताने वाले, एक आध्यात्मिक के मार्ग को जोड़ने वाले ये हो सकते हैं, ना कि हम स्वयं भगवान। देखते हैं, वहाँ जाने के बाद ही खुलासा होगा। अभी यहाँ बोलना फिर भी दो चार कुछ ना, अभी देखते हैं, अभी इस विषय में कोई खुलासा नहीं किया। अयोध्या में राम मंदिर का मामला चला है, धैर्य रखिए, बहुत जल्द होगा इस विषय में भी निर्णय। क्या उम्मीद है योगी जी से, क्या उम्मीद है समाज को? योगी जी से ही उम्मीद है, उसके बाद तो कुछ होने वाला ऐसा लगता नहीं है, और यही समय भी है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार है, दोनों मिलकर के अगर राम मंदिर बना देंगे तो इतिहास में नाम होगा कि योगी जी ने जो है कुछ ऐसा कार्य किया जो आज तक कभी कोई कर नहीं सका, वो योगी जी करके ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय। बहुत सारी उम्मीद जो में मतभेद हो सकता है, कोई चीज़ अगर समाज को नहीं बोलना है और वो चीज़ अगर हम बोलने जाएंगे तो फिर वहाँ जब मतभेद हो जाता है तो कोई अपने अपने हिसाब से वो समाज में आगे आने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, उस विषय में भी हो जाएगा समाधान, सब चीज़ का हो जाता है। तो बलिया जी के बारे में क्या फैसला अभी इस विषय में कुछ नहीं।